हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड द इजीस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट, द चैनल वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर नेक्स्ट मोहम्मद विद द सब्जेक्ट। ऑल राइट, सो दिस इज चाणक्य नीति, एपिसोड नंबर 13 बच्चा पार्टी, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट 3, 4, 5 मार्क्स। 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, जो कि हर बार एग्जामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन बनी जाता है। सो देखिए, आज हम सीखेंगे गैल्वेनोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर का एज ए एमिटर यूज करने पर काय काय प्रॉब्लम आउतूस, और जो जो प्रॉब्लम आउतूस उसको सॉल्व करीस, उसके बाद आएगा आपका गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर, देन विल सी कि अगर हम ऐसा करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साइड में देखिए, आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी बच्चा पार्टी, क्या आप लोगों ने RD6 मेडिसिन ली? और अगर ली है तो बहुत अच्छी बात है, यू विल फील सो एनर्जेटिक। लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो प्लीज ले लीजिए। अब जो नए हैं वो पूछेंगे, ओहो मास्टर ये नई चीज क्या लेके आ गया, RD6S। अरे बच्चा लोग, मालूम है ना, कुछ दिन पहले चाणक्य नीति टाइम टेबल, अगर मैं वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो बता दूं, RD6S इज अ काइंड ऑफ जबरदस्त मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन है जो आपको एनर्जी देगा। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, बस प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। और इससे पहले के जितने भी एपिसोड है जिसके अंदर Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 विद NCERT एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन है, अगर आपने मिस करा है तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पे भी टच करो बच्चा पार्टी, यू विल सी देयर इज अ छोटा सा सिंबल, आई जस्ट गो देयर, टच दैट आई एंड फील द फिजिक्स बच्चा पार्टी, लेट्स बिगिन द क्लास। बट बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास बच्चा लोग, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है ना, उसे प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम द चाणक्य नीति सीरीज बच्चा लोग। एंड दिस इज अवर एडवांस चाणक्य नीति कोर्स, हेल्प माई नंबर इज गिवन। अगर आपको चाहिए, लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें, सैंपल पेपर्स, नोट्स एंड ऑल, एंड टेस्ट एंड लाइव सेशन और डाउट क्लियरिंग सेशन, तो आप इस एडवांस चाणक्य नीति कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बस आप वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और फिर मजे लीजिए। बाकी बाबा SSP तो आप लोगों का साथ छोड़ेंगे ही नहीं, लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ूंगा यार, एग्जाम की क्या बात है, 2020 में क्रैक करेंगे, साथ में मिलकर भोकाल लगाएंगे, क्या बोलते हो यार, आग लगा देना है फिजिक्स के पेपर में, बस जैसे चल रहा है चाणक्य नीति को फॉलो करते जाओ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी। सो हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, समय को सेव करने के लिए हम पहले से यहाँ पर लिखते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं कहता हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, क्लास में जो कुछ भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है इससे बेहतरीन नोट्स, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चा पार्टी, कोई भी नहीं है। जो जो पॉइंट्स बोलूँगा वो लिखा हुआ है, और उसे आप अपनी नोटबुक में उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के शांति से बैठ करके लिखिए। और वैसे भी मैंने इस मेडिसिन वाले वीडियो में चाणक्य टाइम टेबल में कहा था कि 70 से 80 रफ तो कम से कम आपके मास्टर ने भरे थे बच्चा लोग उस टाइम पे, आज के 10 साल पहले। अरे तो आप लोग तो यार कर ही सकते हो ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़िए नहीं, अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे केमिस्ट्री की बात हो चाहे मैथ्स की बात हो, आपके सर पे एग्जामिनेशन है तो बस क्या करो, जो आपको समझ में आता है, जो से आप जहाँ से पढ़ रहे हो सोर्स ऑफ स्टडी से, उसे पढ़ो ही नहीं, सिर्फ उसे पढ़ के लिखना भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतने चांसेस हैं कि आप अपनी एग्जामिनेशन के अंदर आग लगा के आएंगे। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रिएट द काइंड ऑफ फायर, आग, गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो, स्टार्ट कर दो बच्चा लोग। चलो देखो, गैल्वेनोमीटर की मैं बात करूं, यार गैल्वेनोमीटर, ओ हो, गैल्वेनोमीटर के एंड में आता है मीटर, तो क्या मीटर कोई चीज मेजरमेंट करता है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अरे जैसे एमीटर वैसे वोल्टमीटर, वैसा ही तो कुछ है गैल्वेनोमीटर, क्या बोलते हो यार, एमीटर मेजर करता है करंट, वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज, तो गैल्वेनोमीटर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। बट उससे पहले ये वर्ड चिपका लो मेमोरी कार्ड के अंदर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा अलग है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली बच्चा लोग आपको डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। याद करिए वो पत्थर बाबा वाला सर्किट, अरे कौन सा वाला पत्थर बाबा, मतलब वेस्टर्न ब्रिज, क्या उसके अंदर भी आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था? हाँ, वो गैल्वेनोमीटर बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे इस चाणक्य नीति एपिसोड नंबर 13 के अंदर कि यार गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे सुई हुई 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 डिफ्लेक्ट मारती है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन बच्चा लोग, यस। तो फिजिक्स को इसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ पढ़िए, क्योंकि P4 फिजिक्स, P4 प्यार, P4 प्रैक्टिस, PPP।
अच्छा गैल्वेनोमीटर के बारे में, चलो मजाक मस्ती साइड की बात है, सीरियस होकर अपने पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में पहली बात आपको समझ में आई है, आई है, आई है, चमकीली है, चमकीली चमकीली है, दैट इज व्हाट, कि गैल्वेनोमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। लेट अस सी द कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। अगर आप गैल्वेनोमीटर डब्बे को ऐसे पूरी खोल दो ना बच्चा लोग, तो आपको इसके अंदर जो मेन मेन पार्ट्स दिखेंगे वो मैंने डायग्राम के अंदर बनाया। जैसे यहाँ पर होता है कि स्ट्रांग मैग्नेट, इधर भी होता है स्ट्रांग मैग्नेट, वो ऐसे पीछे से मिला रहता है यू शेप में। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेट का साउथ हो गया। ओ हो, लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली बात है बच्चा लोग, कि मैग्नेट ऐसे स्ट्रेट नहीं है, मैग्नेट ऐसे है, कर्व शेप में है, ऐसे कर्व शेप में, देख रहे हैं ना, ये देखिए उई, ये देखिए उई, ऐसे करने के पीछे उई इज बेसिकली एनर्जी बच्चा लोग। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो देन डू उई सी, ये ऐसा शेप रखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिस शुड बी रिमेन्स रेडियल, बिकॉज वी वॉन्ट टू फोकस्ड ऑल दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पर्टिकुलर पोजिशन और पर्टिकुलर रीजन, है ना। हम चाहते हैं कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह पर केंद्रित रहे, फोकस्ड रहे, क्योंकि अगर मैं फ्लैट कर देता हूँ तो वी ऑल नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, वी फिर ऐसे मुड़ गई, हाँ वी नो दैट, और ऐसे गई वी फिर ऐसे मुड़ गई, क्योंकि स्ट्रेट कहाँ चलती है यार, ऐसे निकलती है, कहाँ जाती है, साउथ में जाती है। अगर ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जॉब हम यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी लॉस हो जाएगी, धड़ाक करके बाहर निकल जाएगी। सो सिंपल सा रीज़न, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमेशा याद रखें, जो शेप लेते हैं मैग्नेटिक मैग्नेट का, दैट इज ऑलवेज इन द कर्व शेप। रीजन इज दैट वी विश टू फोकस्ड ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पर्टिकुलर पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करना चाहते हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका, देख रहे हैं एरो 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 वी एरो एरो एरो, दीज आर बेसिकली ऐसे एरो करके लिखा मैंने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड ये है आपका स्ट्रांग मैग्नेट। अब उसके बाद क्या, तो ये नॉर्थ और साउथ जो मैं ऐसे दिखा रहा था, इमेजिन करिए नॉर्थ और साउथ के बीच में ना एक ऐसे सर्कल जैसा, सिलेंडर जैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है शेप, वो बेसिकली सॉफ्ट आयरन का बना होता है, और वो है ना एडजस्टेबल होता है ऐसे, जैसे हम अपनी पानी की बोतल को दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, पानी मत गिरो यार, हाँ आप सामने से देख रहे हैं ना, अगर सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ सर्कल दिखाई देगा, बट रियलिटी में ये ऐसे होता है। और करते क्या है बच्चा लोग, ये सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं उसका रीज़न बताता हूँ, और इसके बाद क्या करते हैं कि कॉपर वायर को लेकर के ऐसे लपेटते हैं, उई 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 ऐसे लपेटते जाएंगे, तो आप सामने देखोगे तो आपको ऐसे वायरिंग दिखाई देगी, है ना। तो बस ये ऐसा ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, कि एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉपर वायर को ऐसे, देखिए कॉपर वायर को इंसुलेट क्या करते हैं, ऐसे रैप कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर भी स्पाइरल स्प्रिंग होती है, और उसके साथ हमारी निडल होती है, और ये हमारा डायल होता है कांच का, जो बॉक्स में आप देखते हो, ये ही आपको दिखाई देता है, रीडिंग्स रहती हैं यहाँ पे, ऐसे रीडिंग्स रहती है गैल्वेनोमीटर की जो डायल होती है। अब होता क्या है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एडजस्टेबल है, टिचिक टिचिक टिचिक, क्या है वो, टिचिक टिचिक टिचिक, एडजस्टेबल है। सवाल दिमाग में चमका बच्चा लोग, ये चमका कि हे मास्टर हमें ये बता दे, हे मास्टर हमें ये बता दे कि रीजन क्या है सॉफ्ट आयरन के लेने के पीछे। ओ हो, तो आके पढ़ने वाले हो, तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, माइट भी आपने को पहले पढ़ा होगा, चैनल पर ऑलरेडी सारी वीडियोस अवेलेबल है बच्चा लोग, ये आपका रिविजन सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ाया गया था आपको, याद भी कर लीजिए, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक है पैरा, दूसरा है डाई, और तीसरा है फेरा। जो पैरा होता है ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट करता है, एंड द सेकेंड वन इज डाई दैट ऑलवेज रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट थर्ड वन इज द पप्पा ऑफ बोथ, ये एक्सेप्ट करता है बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने 100 फील्ड लाइंस लगाई तो सॉफ्ट जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो 100 के 100 को खा जाएगा, लेकिन अगर 100 था, 50 को एक्सेप्ट किया, 50 को नहीं कर पाया, तो बेसिकली वो पैरा है, 100 के 100 को रिपेल मारा, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तो ये हुआ डाई। चमकीला चमकीला चमकीला, लगेला लगेला लगेला, मतलब दिमाग में आया गया, फिर समझिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वन इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो है जो एक्सेप्ट करता है, डायमैग्नेटिक वो है जो रिजेक्ट करता है, एट द सेम टाइम बच्चा लोग फेरा वो है जो क्या सबका पप्पा है, हाँ सर पप्पा है, इसका मतलब क्या है कि क्या सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ले लेगा, यस, बिकॉज वी नीड द काइंड ऑफ सिस्टम जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल भी लॉस में ना हो और सबके सब एक जगह पर आकर के फोकस्ड हो जाए, यस। तो ये सिचुएशन हो गई,
अब बात करते हैं कि इसके काम करने के तरीके को। तो बच्चा इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा एक फॉर्मूला टॉर्क का। चलिए याद करिए कि टॉर्क का एक इक्वेशन किसी जमाने में हुआ करता था, चैप्टर नंबर 1 में जो आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एपिसोड नंबर 1 में, कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई बच्चा लोग, अरे टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई बच्चा लोग, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई बच्चा लोग। बीच बीच में कैमरा चेक करना पड़ता है बच्चा लोग। यस, सो पी साइन थीटा, अरे चमकीला पीई साइन थीटा में पी क्या, पी फॉर पैरट, नहीं सर, पी का मतलब यहाँ पर पोपट है, नहीं सर, पी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई का मतलब एलिफेंट, नहीं सर, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी भाई लोगों का इलाका। अरे तो टॉर्क इज इक्वल टू बच्चा लोग क्या पीई साइन थीटा, हाँ टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये टॉर्क कब लगता है, ये टॉर्क आपका लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क की जगह पर पी साइन थीटा ना होकर के टॉर्क की जगह पर होगा एम बी साइन थीटा। ओ हो हो, वेयर वॉट इज एम, दैट एम इज मंकी, नो सर, एम इज वॉट, इट्स लाइक डाइपोल मोमेंट जैसे पहले था, बट बेसिकली जो आपका पी होता है ना वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और जो एम होता है ना बच्चा लोग वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड बी इज वॉट, मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज वॉट, एंगल बिटवीन दैट। अब ये जो M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका भी फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, NIA। देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, M क्रॉस B, रियलिटी में फॉर्मूला ऐसा है, क्रॉस को हटाया थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, तो M का जो फॉर्मूला है ना वो आता है NIA। तो रियलिटी में ऐसा हुआ NIA B साइन थीटा। अब जरा सोच के देखिए कि क्या मास्टर ने, आपके बाबा SSP ने बहुत पहले ही बताया था कि एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज वॉट, वैक्टर क्वांटिटी। सो इफ एरिया इज अ वैक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स वॉट, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, है ना। कॉइल आपकी ऐसे है, उई ये कॉइल, चलो मास्टर मान लो मैं कॉइल हूँ, ओ एम आई कॉइल, यस सो मैं कॉइल हूँ, मैं कॉइल हूँ। अब सोच के देख बच्चा लोग कि अगर मैं कॉइल हूँ, ओ हो हो, क्या मुझ में से करंट पास हो रही है, हाँ। जब भी मुझ में से करंट पास होगी तो NIA के हिसाब से मुझ पे लगेगा टॉर्क, और मैं कभी इधर भागूंगा उई, कभी इधर भागूंगा उई, इससे हो क्या रहा है कि मेरी खोपड़ी में से निकला एरिया, क्योंकि एरिया इज वॉट, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, है ना। तो एरिया ऐसे उई, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। सोच के देख बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सारे ट्र, एरिया ऐसे ट्र, एंगल कितना 90 डिग्री, यानी कोई भी पोजिशन होगा इसका, किसका, ये निडल, सॉरी जो सॉफ्ट आयरन कोर है यानी मैं, ये कहीं पर भी घूमे, कहीं पर भी घूमे, हर बार एरिया कितना होगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, फॉर द गैल्वेनोमीटर सिस्टम व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस कंडीशन, के इफ इट टेक्स अ टर्न ऑफ 30 डिग्री, और इट टेक्स अ टर्न ऑफ 10 डिग्री, और इट टेक्स अ टर्न ऑफ 360 डिग्री, वट एवर इट इज, कुछ भी हो, बाबा की बात याद रखियो बच्चा लो, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 1 1, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या गया, NIAB। अच्छा एक और बात, और अच्छी सी चीज फील कराता हूं, स्प्रिंग के बारे में तो सुना होगा, स्प्रिंग में हमेशा एक फोर्स लगता है, छोड़ दो, छोड़ दो, दबा दो, छोड़ दो, हमेशा फोर्स उसमें एक लगता है जो हमेशा ट्राई करता है बॉडी को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए, उस फोर्स को क्या कहते हैं, यस, रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट फोर्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, रियलिटी में माइनस एक्स था, माइनस डायरेक्शन के लिए रहता है, जैसे एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, वैसे ही टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे उस एफ को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, फील करिए बच्चा पार्टी, रीस्टोरिंग फोर्स, तो इस टॉर्क को क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। सोच के देख कि इस सिस्टम के अंदर एक स्पाइरल लगा हुआ है ना, ऐसे स्पाइरल कॉइल लगा हुआ है, तो जब स्पाइरल, जब मैं ऐसे घूमा ऐसे, तो स्पाइरल कॉइल के अंदर ट्विस्ट आ गया, हैं ट्विस्ट आ गया, तो जैसे ही करंट चली अब जाएगी तो वो फिर से ऐसे हो जाएगा, हाँ आ जा बे, करंट आया फिर आ जा बे, मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे हम एक रस्सी को घुमाते हैं, ट्र 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 ट्र, घुमा दिया छोड़ दिया, हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जब बॉडी पे टॉर्क लगती है ट्विस्ट आता है, फिर वापस आ जाता है मेन पोजीशन पे, तो ये मेन पोजीशन पे लाने वाला कौन है, रीस्टोरिंग टॉर्क, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर K phi,
प्रोपोर्शनल हटा दो के फाई, फाई इज वॉट एंगल है ना, क्योंकि ये भी टॉर्क है ये भी टॉर्क है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कंपैरिजन, और जैसे ही मैं करूंगा कंपैरिजन मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा एनआई एबी इक्वल टू के फाई। दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स इस पर से पूछे जाते हैं क्या रखा है इसमें, सब मोह माया है। एन इज वॉट नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज वॉट करंट, ए इज वॉट एप्पल नहीं है एरिया, बी इज वॉट बास्केटबॉल नहीं है, बी इज बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, के क्या है तो के है टोरिजनल कॉन्स्टेंट, टोरिजनल कॉन्स्टेंट इट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल, एंड फाइव इज वॉट एंगल। यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस एंगल शुड बी इन रेडियन, दैट एंगल शुड बी इन रेडियन, ठीक है। दो और चीजें हम डिस्कस करते हैं, अगर मैं आई को नीचे लेके आ जाऊं तो 5 बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई के आएगा, और बहुत बार ये पूछता है बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और ये अगर मैं आई के जगह पर लिख दूं वी बाई आर ओम्स लॉ से, तो 5 बाई वी एन ए बी बाई के आर, इसे हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट सेंसिटिविटी एन ए बी बाई के, वोल्टेज सेंसिटिविटी एन ए बी बाई के आर, वेर वॉट इज आर, दैट आर इज वॉट रेजिस्टेंस। अब चलो इसको ही फील करा देता हूँ, बेसिकली करंट सेंसिटिविटी इन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। तो जैसे मैंने एक 10 एम्पीयर की करंट को मापना चाहा गैल्वेनोमीटर से, और वो 10 एम्पीयर की करंट को मापने के लिए, सुनना ध्यान से मजा आएगा, 10 एम्पीयर की करंट को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर 30 डिग्री तक झुकता है, वहीं दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर 10 डिग्री को माप 10 एम्पीयर की करंट को मापने के लिए सिर्फ 5 डिग्री झुकता है, तो कौन अच्छा हुआ, किसी करंट सेंसिटिविटी अच्छी, पहले वाले की या दूसरे वाले की? जाहिर सी बात है दूसरे वाले की, क्योंकि पहले वाला, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट बोला क्या, फिर से समझाता हूँ। नया एग्जाम्पल लेते हैं, विविस टू मेजर एग्जाम्पल, विविस टू मेजर हम बता फील करा रहे हैं करंट सेंसिटिविटी क्या है, हम मापना चाहते हैं एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिव, करंट मतलब गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट, हमने 10 एम्पीयर करंट मापा गैल्वेनोमीटर से, तो उसकी जो सुई है ना वो 20 डिग्री तक झुकी, हम दूसरा गैल्वेनोमीटर लाए हो वो सिर्फ 5 डिग्री झुकी, तो यार ये वाली सिर्फ हुई 5 डिग्री झुक के ही 20 एम्पियर माप ले रही है, और ये वाली ओह, यानी चांसेस है कि थोड़ा और मैं करंट बढ़ा दूं तो क्या ये पूरी ऐसे हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा तो सुई जा नहीं सकती ना, टूट जाएगी। तो अच्छा गैल्वेनोमीटर वो है जो करंट को मापने के लिए थोड़ा सा झुके, है ना। तो बेसिकली 5 बाई आई उस चीज़ को बताता है कि इसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, इतने वोल्टेज के लिए इतना डिग्री झुका, सो दैट इज़ योर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, और कैसे बोर्ड में लिखना है, एग्जामिनर पे अच्छा मार्क्स उसके ऊपर इंपैक्ट है, तो वो सबसे पहला देखेगा आपका डायग्राम, सुंदर सा चित्र बनाइए, बढ़िया सा मनमोहनी वाला चित्र बनाइए सुंदर सा, ताकि वो लगे लल्लन टॉप, एकदम फिदा हो जाए आपके डायग्राम को देख के, भूल जाए घर में सब, सबको भूल जाए, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आप पहले लिखें, दो रीज़न दे दीजिए, कैज शोन इन द फिगर देयर इज अ कर्व शेप मैग्नेट, बिकॉज वी विश टू प्रोड्यूस वॉट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि वो यहाँ पर फोकस रहे। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, सॉफ्ट आयरन क्योंकि हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर ये आपका बस हो गया, उसके बाद तो फिर कहानी है टॉर्क और ये, फिर ये कंडीशन सबके बारे में अच्छे से लिख दीजिए। टेक अ स्क्रीन शॉट, विल डिस्कस द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बच्चा लोग सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, राइट, टॉर्क का उसके अंदर फॉर्मूला लगता है, टॉर्क क्यों लगता है वो सब आपको रीजन बता दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, बात है। अब की बारी अब हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर तो ये हो गया, ठीक है, बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस व्हेन वी आर गोइंग टू यूज गैल्वेनोमीटर एज एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गैल्वेनोमीटर का पूरा टॉपिक चाट के जाना बच्चा लोग, आज का वीडियो एकदम छोड़ना ही मत, एकदम लास्ट तक एकदम चाट के जाइएगा, मजा आएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। तो देखिए अभी हम समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर मैं एक एमीटर की तरह यूज़ करने जाऊँ तो क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी, प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। सो ये टॉपिक को आप इसी तरह से हमेशा स्टार्ट करिएगा, प्रॉब्लम एंड देन सोल्यूशन, राइट। तो एमीटर बेसिकली क्या होता है, तो एमीटर होता है करंट को मेजर करने वाला एक डिवाइस। सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है हैविंग वैल्यू 20 वोल्टेज, उसमें से करंट जारी हुई, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैंने मान ली है 5 ओम, प्रैक्टिकल एक सिंपल सा। अगर मैं तुझसे पूछूं कि हे बच्चा मुझे जवाब दे कि बच्चा ये मुझे बच्चा ये बच्चा ये मेरा बच्चा पार्टी मेरे को जवाब दे कि सर्किट से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, तो तू बोलेगा कि बाबा एसएसपी आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वोल्टेज है 20, रेजिस्टेंस है 5, यानी कि बाबा एसएसपी आंसर आएगा 4, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं शाबाशी दूंगा, हा हा हा, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बच्चा, थ्योरेटिकली तो तूने आंसर दे दिया, बड़े बच्चा जा फिर फिजिक्स लैब में उठा ले एक क्या कहते हैं उसको गैल्वेनोमीटर, और मैं बोलूँ कि इसी को मैं प्रैक्टिकली तरह से पूछ रहा हूँ, बात आ रही है समझ में,
बच्चा पार्टी और बाबा एसएसपी के बीच में जो मोहब्बत है उसका सिलसिला सुना रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि बच्चा मुझे थ्रेटिकली आंसर दे, तो तू बोला ठीक है बाबा एसएसपी, ये लो मास्टर आ गया, आंसर आ गया। फिर मैंने बोला कि इसी चीज़ को जो तेरा आंसर आ रहा है उसको मेजर कर, तो तू क्या करेगा बच्चा, लोग खुशी खुशी में इस रेजिस्टेंस के सीरीज में तू ये डिवाइस लगाएगा जिसको हम बोल देंगे एमीटर, है ना। क्योंकि एमीटर हमेशा कहाँ लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अरे क्यों लगता है, क्योंकि मापना क्या है उसको, करंट। अरे करंट तो सीरीज में ही सेम होता है ना। हाँ, इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन एवर वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, देन वी हैव टू कनेक्ट दैट गैल्वेनोमीटर एज एमीटर इनटू द सीरीज कॉम्बिनेशन, नॉट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। द रीजन इज बच्चा पार्टी प्रीटी क्लियर दैट करंट इज ऑलवेज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो लगा दिया ऐसे खुशी खुशी में, ओ हो। फिर देखा और दिमाग टनका कि अब की बार 90+ पार बच्चा लोग। हमने देखा कि अब की बार जो करंटवा चल रही है उसको तो दो दो रेजिस्टेंस से पास होना पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर तो कॉइल होता है ना, कॉइल होता है, और अगर कॉइल है तो लेंथ होता है, और अगर लेंथ होता है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल के हिसाब से रेजिस्टेंस होता है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज इंडिकेटेड विद कैपिटल जी। यू हैव टू रिमेंबर दैट कैपिटल जी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी अब की बार जो आपकी करंट रियालिटी में आएगी वो वी बाई इन दोनों का सम होगी, जी प्लस आर, यानी अल्टीमेटली जो पहले कभी किसी जमाने में 4 आता था ऑब्वियसली वो 4 से कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। सपोज रेजिस्टेंस अगर जी को मैं 5 मान लूं, क्योंकि इतना हो गया, चलो मान लिया जी की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो 20/10 यानी कितना आ जाएगा 2, बट रियलिटी में आना कितना चाहिए था बच्चा लोग 4। ये तो है प्रॉब्लम। रीजन रीजन हाउ टू राइट द थियरी, प्रोफेशनली थोड़ा बात करते हैं, ठीक है यार। ऐसे पढ़ाने में बड़ा अजीब लग रहा है कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और हमने उस गैल्वेनोमीटर से मापना चाहा करंट, तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है, इससे हमारी करंट कम हो जाती है, और जब करंट कम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट इज द प्रॉब्लम। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चा पार्टी, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए बोलता हूँ बीच बीच में RD6S वाली मेडिसिन जरूर खाइए, एनर्जेटिक रहेंगे बाबा की तरह। तो ये प्रॉब्लम है कि भैया हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, अच्छा तो अब करें क्या, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट जाए भी नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है बल्ब जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं। सो वी वांट कि मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर से ज़्यादा करंट भी फ्लो ना कराऊं और उसका रेजिस्टेंस भी ओवरऑल क्या कर दूं, कम कर दूं। तो इसका तरीका ये है, आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास में 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम का और एक 4 ओम का, और मैं बोलूं बच्चा इसको ऐसे जोड़ कि मैं चाहूं कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए, तो तू उन दोनों को सीरीज में लगाएगा, आंसर आएगा 6 ओम, तो खुशी खुशी बोलेगा सर लो कर दिया। फिर मैं बोलूंगा कि हे बच्चा मुझे 2 ओम और 4 ओम का छोटा रेजिस्टेंस करके दे, मैं चाहता हूँ इसको ऐसे कनेक्ट करके छोटा होता तो लगाएगा पैरेलल में, और मम्मी का फॉर्मूला लगाएगा 8/6 यानी 4/3 यानी आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरी बात समझे, जब भी हमारे को रेजिस्टेंस को कम से कम करना है तो हमें पैरेलल को याद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो हमें सीरीज को याद करना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए, इसीलिए गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है और उसकी वैल्यू उससे भी कम रखी जाती है। रीजन देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, दूसरा 1 ओम का है, दोनों को पैरेलल में लगा दूं तो आंसर आ जाएगा क्या, 2/3 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है दोनों में से छोटा कौन है, 1 ओम, तो रिजल्ट उससे भी छोटा आएगा। हाँ, हम तो यही तो चाहते थे कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू ऐसी ले, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जो भी दी है उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसा ले ताकि रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाए और उससे भी कम हो जाए, है ना। किससे, क्योंकि देखो क्या था, हम इसका डिपार्टमेंट का रेजिस्टेंस कम करना चाहते थे, जी तो पहले से बढ़ा हुआ था तो हमने जी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लिया और उसकी वैल्यू को इससे भी कम ले ली जी से, तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो जी से ऑटोमेटिक कम हो गया। और एक और फायदा हुआ कि अगर आप इसकी वैल्यू को कम लोगे इसकी कंपैरिजन में, तो यहां पर जंक्शन में आने के बाद ये मेन करंट की ज्यादा अमाउंट की करंट हुई एस में से जाएगी, क्यों जाएगी पता चला, फील आया चमकीला चमकीला चमकीला। ऐसा इसलिए हुआ बच्चा लोग क्योंकि नीचे जो एस लगा है उसकी वैल्यू ऊपर वाले जी से भी क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस में जहां कम होगा करंट वह वहीं ज्यादा जाएगा, उई है ना। तो ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहते हैं शंट। ऑलवेज वी हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस विच इज हायर देन द गैल्वेनोमीटर इन द पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर टू रिड्यूस द एंटायर रेजिस्टेंस एंड टू मेंटेन आवर गैल्वेनोमीटर, बिकॉज इफ वी टेक अ रेजिस्टेंस
Having value less than the galvanometer, then more amount will flow through the shunt and in this way we can save our galvanometer. Because galvanometer बहुत ही ज़्यादा sensitive होता है, अगर current उसके अंदर से बहुत fast चलेगा तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी उसकी needle टूट सकती है, ठीक है? So that is the solution, हमने parallel में लगा दिया. Let us find out कि अब इसके बाद इस shunt का formula कैसे निकालें. तो हमने इसके अंदर ना बाबा KVL को याद कर लिया, Kirchhoff's voltage rule. पहले मैं ऐसे चल रहा हूँ, देखो ऐसे चला वी, तो फिर मेरे साथ ही करंट भी चल रही है आई एस इंटू एस, ओके माइनस आई एस इंटू एस. फिर मैं ऐसे चला वी, तो ये इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस आएगा, आई जी इंटू जी इक्वल्स टू जीरो. बस सॉल्व किया, क्या है, एस आ गया. बट एट द सेम टाइम इफ वी फोकस ऑन द पॉइंट ए, देन वी विल कम टू नो कि पॉइंट ए पे इनकमिंग करंट कितना है, कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल आई. अरे तो क्या आउट गोइंग करंट दो है, आई जी इन टेन देन प्लस आई एस. हाँ, तो आई एस इज इक्वल टू सब्जेक्ट बना, तो आई माइनस आई जी आई इधर रख दो, आई एस की जगह पर आई माइनस आई जी रखा. अच्छा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स के लिए. ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखे कहीं न्यूमेरिकल में कि इन केस गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर के रेंज को एन टाइम्स बढ़ाना है, सुनिए, वीडियो को रोक करके नोटबुक में लिख लीजिएगा, बाबा की ये बात है, कभी भी गलत जाएगी नहीं, और आ जाएगा तो आप हमें याद करेंगे कि हाँ सर ने सही बोला था, बाबा ने सही बोला था, मास्टर ने सही बोला था. वेन एवर वी हैव टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, देन वी हैव टू टेक दिस आई इक्वल्स टू एन टाइम्स. कितना रेंज लेना है भाई साहब, एन टाइम्स, तो एन आई जी करेंगे इसकी जगह पर. एन आई जी, आई जी ने आई जी ऊपर वाले से उड़ाया, तो फॉर्मूला एस बराबर जी अपॉन एन माइनस वन. अगर ऐसा बोल दे कि टू टाइम्स गैल्वेनोमीटर इतना है, टू टाइम्स मैंने बढ़ाया रेंज को, तो बताइए शंट कितना, तो रख लो टू माइनस वन इन टू जी, है ना. इसके क्वेश्चन हम अभी एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल के साथ करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड कंप्लीट प्रॉब्लम डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस गैल्वेनोमीटर, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर. लेट अस सी बच्चा लोग, तुरंत समझ में आएगा, मजा आएगा कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम एज अ वोल्टमीटर यूज करने जाए तो क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है. तो सबसे पहले सोचिए कि वोल्टमीटर का यूज क्यों किया जाता है. अरे तो वोल्टमीटर का जो यूज होता है बच्चा लोग, क्या वो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है? हाँ, यस सर. ये देखिए वोल्टेज 10 वोल्टेज है, करंट चल रही है 2 एम्पियर की, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है. अगर मैं बोलूं, हे बच्चा लोग थ्योरेटिकली बता मेरे को इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज मिला, तो तू बोलेगा मास्टर V इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू 2 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, तो क्या 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वोल्टेज? यस, बड़ी खुशी मिली. लेकिन जैसे ही मैं बोलूं, हे बच्चा मेरे को ये वैल्यू को मेजरमेंट करके दिखा, तो तू क्या करेगा, इस 5 ओम के अक्रॉस में तू लगा देगा गैल्वेनोमीटर, वहीं पे हो जाएगा प्रॉब्लम. क्यों 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 गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में क्यों लगाया है? क्योंकि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होता है. टू मेजर दैट वैल्यू ऑफ 10 वोल्टेज वी हैव टू कनेक्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू द पैरेलल, है ना. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज बच्चा पार्टी, नाउ 2 एम्पीयर करंट वाज कमिंग, वी आया, इधर जंक्शन है तो करंट डिवाइड हो जाएगा, सम पार्ट विल फ्लो थ्रू दैट जी एंड सम पार्ट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस. क्या पूरा का पूरा अमाउंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा? नहीं, क्योंकि जंक्शन है, सम पार्ट विल फ्लो through the galvanometer, and that is the reason if only 1.5 ampere is passing through this 5 ohm resistance. So in reality this will read the value 7.5 voltage according to IR equation 15-75 7.5 voltage. Reality kitni thi, aani kitni chahiye thi 10, I kitni 7.5, that is the problem. Aur problem ka solution kya hai? Problem pata hai main kahan tha? Main yahan tha ki current jo divide ho gaya. हम चाहते हैं कि करंट डिवाइड ना हो, कम से कम डिवाइड हो, क्योंकि ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर लगाए तो ज्यादा से ज्यादा तो जाएगा, है ना. तो अब होगा क्या कि हम जो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाएंगे नीचे एज अ वोल्टमीटर, मैं चाहता हूं कि ज्यादा करंट इसमें से जाए. देखो ऊपर वाले से अगर 2 एम्पियर करंट जाएगी तभी सही रिजल्ट आएगा. ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नीचे वाले का रेजिस्टेंस घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? यस, We should increase the value of नीचे वाला. अगर मैं नीचे वाले की वैल्यू को बढ़ा दूं तो ज्यादा से ज्यादा करंट, ऐसा नहीं कि करंट जाएगी नहीं, नीचे से जाएगी, बट क्या कंपेरिजन टू 0.5 बहुत कम जाएगी, 0.001, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की अल्टीमेटली वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी. तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर यूज करना चाहते हैं ना बच्चा लोग, तो हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि करंट डिवाइड हो जाता है. तो आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि गैल्वेनोमीटर के साथ यहां पर सीरीज में गैल्वेनोमीटर से भी ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लगा दीजिए. बेनिफिट क्या मिला? जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 था, आपने लगाया 20 का, तो रिजल्ट 30 आया, उस 20 से भी बड़ा,
तो इससे क्या होगा, ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, वो ज़्यादा करंट ऊपर से फ्लो होगा। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट की करंट इसमें से जाए ताकि आपको सही रीडिंग मिले, है ना। तो बस हो गया, ये गैल्वेनोमीटर, उसके साथ में सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको रिप्रेजेंट किया हमने RS से, दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी प्लस और माइनस, और यहाँ से जो करंट चल रही है वो है तुम्हारी करंट IG, बिकॉज गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या होगी, IG। बस अब क्या था, अब तो बस कुछ नहीं है बच्चा लोग, अब आप यहाँ पर KVL अप्लाई कर दीजिए, तो प्लस वी, ये पूरा प्लस और माइनस इसको ऐसा समझिए, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये ऐसा। फिर अब इसके अंदर हम KVL अप्लाई कर देंगे, तो माइनस से प्लस की तरफ गए तो वी, फिर माइनस IG इंटू RS, फिर माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से IG RS को सब्जेक्ट बनाया, ये आंसर है, RS को सब्जेक्ट बनाया, ये आंसर आ गया, काट दो वी बाई IG माइनस G, खत्म। बट यहाँ पर भी वही बात, जो बात यहाँ थी कि अगर आपके अपने करेंट के रेंज को एन टाइम्स बढ़ाना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वैसे ही मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ कि इन केस वी विश टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर एन टाइम्स, वोल्टेज मापने की शक्ति को तुम एन गुना बढ़ाना चाहते हो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, ये फाइंड करके आपको कमेंट करना होगा नीचे। बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चा लोग नहीं करते, बड़ी दुख की बात है, किया करो, खुशी मिलती है बच्चा लोग। और ये मेडिसिन जो यहाँ लिखा था इससे पहले RD6S, इसे जरूर देखना और इसे शेयर भी करना। तो इसे डन फ्रॉम टुडेज सेशन बच्चा पार्टी, आई होप यू आर लाइकिंग चाणक्य नीति, और थैंक यू सो मच जिस तरह से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, एंड ट्रस्ट में आप लोगों की जो मोहब्बत है, ये जो आप लोगों का प्यार है, बस उसी का रिजल्ट है कि करते जा रहे हैं। तो अपना साथ इसी तरह से देते रहिए, अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, और फिजिक्स को दिल से पढ़िए, दिमाग से तो हर कोई पढ़ता है, और दिल से पढ़ने के लिए बस बाबा SSP की भोकाल वाली चाणक्य नीति को फॉलो करें, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको 90+ मार्क्स लाने से। तो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, मित्रों मैंने कहा।